यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन लिखा है, डार्सी इन प्राइड एंड प्रेजुडाइस थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंस इज रिफॉर्म अ मैन विद राइट सॉर्ट ऑफ प्राइड। यहाँ पे जरा की पॉइंट्स, पेंसिल्स अपनी निकालें जरा। यहाँ पे नंबर वन की पॉइंट इज डार्सी, नंबर सेकंड की पॉइंट इज प्राइड एंड प्रेजुडाइस थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंस, नंबर थ्री रिफॉर्म्ड मैन। रिफॉर्म्ड मैन और नंबर फोर जो है, बल्कि इसको नंबर वन ही करें, डार्सी अ मैन विद राइट सॉर्ट ऑफ प्राइड। ये नंबर वन हो गया की पॉइंट के, डार्सी जो कि एक राइट सॉर्ट ऑफ मैन था, जो कि अ मैन विद द राइट सॉर्ट ऑफ प्राइड था, उसका प्राइड एंड प्रेजुडाइस थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंस रिफॉर्म हुआ था। ठीक है, सेम इज द केस विद एलिजाबेथ एंड सेम विद द केस विद डार्सी। अब यहाँ भी देखें, इस क्वेश्चन के तीन हिस्से बनते हैं। नंबर वन, डार्सी अ मैन विद अ राइट सॉर्ट ऑफ प्राइड, ठीक है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? प्राइड, ठीक है। फिर दूसरी बात, लर्निंग एक्सपीरियंस नंबर टू हो गया, ठीक है, कि वो कौन से ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से वो रिफॉर्म हुआ था। तो यहाँ पे देखें कि इसके बेटा दो से तीन की पॉइंट्स बनते हैं। कभी भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसकी आपकी तैयारी नहीं है, अंडरलाइन द की पॉइंट्स इन द क्वेश्चन, बल्कि अगर आता भी है तब भी अंडरलाइन करें की पॉइंट्स। जब आप अंडरलाइन कर लेते हैं ना की पॉइंट्स को, तो आपको पता होता है मैंने इस सीक्वेंस में लिखना है। फिर उस सीक्वेंस में लिखने के बाद आपने उसके पॉइंट्स बनाने हैं कि जी मैंने ये जो दो मेन या दो तीन इसके की पॉइंट्स निकाले हैं, इनके साथ मैंने सब पॉइंट्स कौन से बनाने हैं। सब पॉइंट्स यानी कि इन पॉइंट्स के अंदर मैंने कौन से 8 या 10 पॉइंट्स बनाने हैं जिसके ऊपर ये मैंने क्वेश्चन लिखना है, ताकि आपका वो जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस में आ जाए। और ये आपने वो जो आपकी लीप होती है ना, आपको वहां पे मिलेगी एग्जामिनेशन शीट, उसके क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं लिखना आपने, तो वहां पे जो आंसर शीट आपको मिलती है ना, उसका जो सेकंड लास्ट पेज होता है उसके ऊपर ये सारा रफ वर्क करते हैं। वहां पे बेशक लिख भी दीजिएगा रफ वर्क ना, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, वहां पे रफ वर्क लिख के और वहां पे आपने सारे पॉइंट्स लिख लेने, उससे ना टाइम बहुत ज्यादा बचता है स्टूडेंट्स का, तो ये काम आपने जरूर करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को डिवाइड करना, उसके आंसर को, और फिर उसके अंदर सब पॉइंट्स लिखने, और फिर उसको फिर डिटेल्ड आपने लिखना शुरू करना। दूसरा है, डिस्कस द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द एलिजाबेथ बेनेट एंड डार्सी एज अ रिजल्ट ऑफ देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। इसी तरह के क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर है, डार्सी इज वन ऑफ द ट्रू प्रोटैगनिस्ट इन जेन ऑस्टन्स नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइस। ही इज एन आर्केटाइप ऑफ द अलूफ रोमांटिक हीरो and a romantic interest of Elizabeth Bennet, the novel's protagonist. He is the son of a wealthy, well-established family and the master of a great estate of Pemberley. With an income of 10,000 a year, he comes to settle in Netherfield Park with his friend Bingley. However, he does not appeal to anyone due to his haughty and arrogant demeanor. When he rejects Elizabeth as not being handsome enough to tempt him, we along with Elizabeth feel a contempt for him. The reason is the narrator relates Elizabeth's point of view of events more often than Darcy, so Elizabeth often seems a more sympathetic figure. However, as the story unfolds, it appears that he is thoroughly gentleman and a kind-hearted fellow with the right sort of pride. Though certain critics argue that this transformation of Darcy is unconvincing, however, it is not abrupt and is in line with Darcy's character. Actually, Darcy is a complex character. He belongs to an aristocratic family and his brought up is such that he gives great weightage to manners. He is the denizen of a class-ridden society in which upper-class people do not like to mix with the people who are not of their status. डार्सी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक रखता था और एक ग्रेट उसको एक ग्रेट वेटेज ऑफ मैनर्स जो है हैज ब्रॉट अप इन सच दैट ही गिव्स ग्रेट वेटेज टू मैनर्स। और उसका ब्रॉट अप कुछ इस तरह से हुआ था कि जो एलीट क्लास होती है वहाँ पे मैनर्स को बहुत ज़्यादा
जो है वो वेटेज दी जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है बच्चों के मैनर्स के ऊपर। और वो एक डेनिजन था, एक सिंबल था किस चीज का, क्लास रिडन सोसाइटी, ठीक है, एक क्लास रिडन सोसाइटी जो कि अपनी क्लास को ऑनर करते थे लेकिन अपने से लोअर क्लास को ऑनर नहीं करते थे। इन विच अपर क्लास पीपल डू नॉट लाइक टू मिक्स विद पीपल हु आर नॉट विद देयर स्टेटस, नॉट ऑफ देयर स्टेटस, देयरफॉर ही फील्स हिमसेल्फ अ स्ट्रेंजर इन द मैरिटन बॉल, ठीक है, और इस वजह से वो अपने आप को मैरिटन बॉल के अंदर, यानी कि वो जो डांसिंग पार्टी होती है मैरिटन में, वो अपने आप को एक स्ट्रेंजर फील करता है। ही फील्स डिस्डेन फॉर द बेनेट्स व्हेन ही ऑब्जर्व द वल्गैरिटी ऑफ बेनेट सिस्टर एंड मीनस ऑफ मिसेस बेनेट। Therefore, when his friend Mr. Bingley began courting Elizabeth Bennet's sister, elder sister Jane, Darcy disapproves of the relationship and convinces Mr. Bingley that Jane does not care about him. ठीक है, तो वो जब बिंगली उसके अंदर इंटरेस्टेड होता है तो फिर डार्सी ही होता है जो कि उसको मना करता है, देखो तुम्हारी यहाँ पे शादी नहीं हो सकती। Does his high birth and wealth make him overly proud and overly conscious of his social status? इस वजह से उसकी ये जो हाई बर्थ और वेल्थ थी वो उसको ओवरली प्राउड करती है और ओवरली कॉन्शियस करती है उसके सोशल स्टेटस की वजह से। डार्सी लॉसेस ऑफ ऑल ऑफ आवर सिंपथीज व्हेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नैरेटिव इट इज रिवील्ड दैट ही हैज रॉन्ग जॉर्ज विकम। अब जो है डार्सी जो है हमारी उस वक्त तमाम सिंपथीज लॉस कर जाता है, हमारा भी उसका उसके बारे में कोई व्यू पॉइंट अच्छा नहीं रहता। व्हेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नैरेटिव ये रिवील होता है कि उसने जॉर्ज विकम के साथ भी गलत किया। इन द पास्ट एंड विकम बिकॉज ऑफ हिज अप्रोचेबल एंड चार्मिंग नेचर इज ऑटोमेटिकली गिवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट ओवर डार्सी। और विकम जो होता है वो अपनी अप्रोचेबल और चार्मिंग नेचर की वजह से डार्सी के ऊपर जो डाउट एक शक या इल्जाम लगता है उसमें वो कामयाब हो जाता है। किस वजह से? अपनी चार्मिंग नेचर की वजह से और अपने कन्विंसिंग मैनर की वजह से। यहाँ पे देखिएगा कि एक चीज बड़ी काउंट होती है जब हम बात करते हैं, हमारा आजकल बात होती है ना, कोर्सेज होते हैं डिफरेंट स्पोकन के, और उसमें एक बात होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। देखिए बेटा, बात सारी एक ही जैसी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि हम बच्चे को कहते हैं तुमने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी या तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, और एक तरफ कहते हैं चलो आओ बेटा नमाज पढ़ते, आओ मैंने जाए नमाज बिछाया आप भी आ जाओ। बात तो एक ही है लेकिन कम्युनिकेट करने का के मैनर्स जो हैं वो डिफरेंट है। और जब हम आसान तरीके से बात करते हैं, खूबसूरत तरीके से बात करते हैं तो बात असर करती है। आप खुद सोचें ना, बच्चे के साथ जब हम डील कर रहे होते हैं, जरा अपने आप को उस बच्चे की जगह पर रख के जरा देखिएगा आपको किस तरह की बात पसंद आती है। कोई आपसे प्यार से बात करता है तो ज्यादा समझ आती है, जब कोई डांट के कहता है तो फिर समझ आती है। तो मेरे ख्याल है 99% लोगों का यही जवाब होगा कि जब कोई प्यार से आराम से और ठहर के बात करे तो फिर समझ आती है। जो लोग लफ्जों की ट्रेन चला देते हैं ना, उनकी बेटा बात समझ कोई नहीं आती, सही है। तो बाज़ औक़ात हमारे पास नॉलेज तो होता है लेकिन हम इतने अल्फाज की ट्रेन चला देते हैं, हम बस चाह रहे होते हैं कोई बंदा बस मेरी बात सुन ले, ठीक है। तो वो मतलब अगला बंदा इस उसमें नहीं होता कि वो आपकी बात पूरी की पूरी सुने, या हो सकता है उसके पास टाइम ना हो या कुछ हो, लेकिन हम इतनी लफ्जों की ट्रेन चला देते हैं। हमारे पास नॉलेज भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ अंदर है घुसा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि उसको एक ही दफा में निकाल दिया जाए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ग्रेजुअल चेंज इज द अल्टीमेट चेंज। ना तो खुद अचानक से बदलने की कोशिश कीजिएगा, ना किसी और को अचानक एक दिन में बदलने की कोशिश कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली बात असर करती है, ठीक है। लाइक अब देखिए ना, मैं जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करती हूँ, शुरू में आपने जो पहला महीना गुजारा है मेरे साथ,
वो स्लो आराम आराम से मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन यही अगर आप आएंगे ना मेरे पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही, तो हम बहुत फास्ट जा रहे होते हैं. क्यों? बेस बन चुकी होती है. ठीक है, तो हर चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेस बनानी पड़ती है. और सबसे बड़ी चीज, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, बात करने का अंदाज कैसा है, ये बड़ा मैटर करता है. सो आराम से बोलें, ठहर ठहर के बोलें, और चूज द राइट वर्ड. नहीं तो जो गलत लोग होते हैं लेकिन उनका अंदाजे भी आप खूबसूरत होता है तो वो ज्यादा इफेक्ट कर जाता है, और जो सही बंदा होता है और वो जो है गलत लहजे में बात करता है तो बात का असर उल्टा हो जाता है. तो दैट्स व्हाई हम अक्सर इरिटेट होते हैं, यार मैंने बात तो सही की थी, ये और बात अब गुस्से में की थी. गुस्से की वजह से ही तो सारा काम खराब होता है, जज्बातियत की वजह से, इमोशंस की वजह से ही तो सारा काम खराब होता है. तो बेसिकली ये सारी जो कहानी है ना प्राइड एंड प्रेजुडाइस की, या ओवरऑल अगर आप लिटरेचर भी पढ़ें तो बेटा लिटरेचर का मतलब होता है अदब. ठीक है, तो इस लिटरेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कीजिएगा. जब आप एब्जॉर्ब करेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, तो आप यकीन करें आप वो कुछ लिखेंगे जो बाकी जो स्टूडेंट सिर्फ रट्टा लगा के आए होंगे ना, वो नहीं लिखेंगे. ठीक है, ये जो नॉवल है ये सोशल मैनर्स के ऊपर भी लिखा गया है, हाउ टू बिहेव इन आवर सोसाइटी. ठीक है, और नो वन इज एन आइलैंड, कोई भी इंसान आइलैंड नहीं होता है. एवरी पर्सन इज द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, वी आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी. अगर हम उस सोसाइटी के अंदर अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, दार्सी को देखे ना, उसने शुरू में विकम को एक्सपोज करना गवारा नहीं समझा, हालांकि उसको पता था कि विकम जो है वो एक फ्लर्ट किस्म का इंसान है, लेकिन उसने उसको एक्सपोज करना गवारा नहीं समझा क्योंकि वो अपना रोल इन सोसाइटी उसको अहमियत नहीं देता था. लेकिन फाइनली क्या हुआ, विकम जो है उसकी अपनी बहन को भगा के लेके जाने लगा था. ठीक है, डार्सी की बहन के साथ वो फ्लर्ट कर रहा था. तो अगर डार्सी ये सारी चीजें एक्सपोज कर देता शुरू में ही, तो फिर इस तरह का कोई मसला होता ही ना. ठीक है, इसी तरीके से बेटा हम जो भी नेकी करते हैं, जो भी अच्छाई मुआशरे में फैलाते हैं, वो पलट के हमारी तरफ आनी है. जो बुराई हम फैलाएंगे वो हमारी तरफ आनी है. आज हम बुराई को नहीं रोकेंगे, मैं ये नहीं कहती कि आप रिबेलियस वे में आप जो है ठापा कर दें या धरने देना शुरू कर दें या टायरों को आग लगा दें, दैट इज नॉट द वे. लेकिन एटलीस्ट बुराई को बुराई जरूर कहें. ठीक है, तो अगर डार्सी ये काम करता तो उसकी बहन के साथ वो ना होता. इसी तरीके से आज मैं बुराई को नहीं रोकूंगी, कल वो बुराई मेरे घर तक खुद चल के आएगी. मेरे बच्चे ने बाहर जाना है, वो इस फितने की दुनिया में जाएगा, फिर मैं उसको कहाँ कहाँ से रोकूंगी. जब उसने खुद नहीं देखा कि मेरी माँ बुराई को मना नहीं करती, तो वो खुद कैसे मना करेगा. तो ये सारी चीजें यहाँ पे काउंट होती हैं. अच्छा जी, यहाँ पे हम अब वापस आते हैं. कॉन्फिडेंट ऑफ बींग मिसप्लेस्ड एक्सेप्ट हर रिजेक्शन मेक हिम realize that his misplaced pride. यहीं पे थे हम. हाँ ठीक हो गया. अच्छा जी, अब वो क्या हुआ कि however her rejection of his advances build a kind of humility in him, confident of being accepted, her rejection make him realize his misplaced pride. Elizabeth accuses him of being responsible for separation between Jane and Bingley and for ruining Wickham prospect. In order to refute the charges, he writes a letter. बेटा ये वही पैराग्राफ जो पहले हमने पढ़ा था. ठीक है, ये मैं अब छोड़ रही हूँ, आगे चलते हैं. अच्छा सॉरी, in order to refute the charges, he writes a letter to Elizabeth, and from that moment his mind changes from pride to awareness of values. अब यहाँ भी उसको awareness होती है of values. His lesson is complete when at Rosings he observes the vulgarity of Aunt Lady Catherine and realizes that refinement of manner is no monopoly of elite, nor their depravity. The ban of the law. Elizabeth's prejudice too is softened and corrected by the revelation of Darcy's character. The moment of self-awakening comes on receipt of Darcy's letter.
it is eventually related to her that her first impressions were erroneous, as Darcy's seemingly arrogant character masked a sincere general. ठीक है, अब क्या होता है कि Darcy का जो arrogant seemingly, जो apparently उसका एक arrogant character होता है, वो character mask जो है वो sincerely एक generous होता है, compassionate होता है और loving nature का होता है. That it was in fact he who was wronged by Wickham. Actually Wickham ने उसके साथ गलत किया होता है. Whose own character is revealed to be untrustworthy and duplicitous. Even such matters as his interference in the relationship between Jane and Bingley is reinterpreted by her as being motivated by genuine concern for the feelings of his friend rather than out of malicious intent. Thus, by writing the letter, Darcy humbles himself and Elizabeth begins to realize Darcy's good qualities. In this connection, Elizabeth's visit to Pemberley is important. The housekeeper's testimony at Pemberley reveals to Elizabeth that Darcy's austerity of manner stems partly from shyness. Here, Darcy appears to be a perfect gentleman and well behaves with Gardiner and Elizabeth and introduces him to his sister Georgiana. Later, the Lydia Wickham episode raises him in our opinion and finally corrects Elizabeth's prejudice. Darcy's love for Elizabeth is proved when he involves himself in the Bennet's disgrace and accepts the man he hates, his brother-in-law. This overwhelms Elizabeth and cures her of her initial prejudice against him. She begins recognizing that Darcy was the man who, in disposition and talent, would most suit her. Lady Catherine's interference in the marriage between the two helps her to see the things in their true perspective. The two discover themselves and each other in their loss of pride and prejudice. The change helps them unite in marriage. The marriage is based on love and balanced judgment and therefore good. अब ये जो change होता है वो क्या होता है, help them unite in marriage. Finally उन दोनों की शादी हो जाती है और ये शादी based होती है on love and balanced judgment and therefore good. In conclusion, we can say that in the beginning, like Elizabeth, the reader too develop a wrong opinion about Darcy because they see him through the jaundiced eye of Elizabeth. Jaundice kise kehte hain? Peeliya ho jana, aankhe peeli pad jana, liver kaam na karna. To yahan pe jaundiced kya hoti hai, uski jo blurred eyes hoti hain. ठीक है, उसका ब्लर्ड विजन होता है अबाउट द, या उसकी ब्लर्ड ओपिनियन होती है. तो उसकी जो ओपिनियन होती है ऑफ एलिजाबेथ, हाउएवर एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस इट इज रिवील्ड दैट ही इज अ टोटली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैन विद राइट सॉर्ट ऑफ प्राइड. ही अपीयर्स प्राउड बिकॉज ही बिलोंग्स टू दैट क्लास इन विच द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर एंड रिगार्ड देम एज द बेरिफ्ट ऑफ मैनर. However, gradually he realizes his mistake and at the end appears to be totally reformed man. However, gradually वो ये realize करता अपने mistake को और at the end appear होता है to be totally reformed man. End में वो एक totally reformed man बन जाता है. ठीक है, ये बेटा आपका आज का lesson. मुझे बताएं, plot भी पढ़ा दो. ये काफी आज के लिए, दो lessons.